बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आवर टुडेज टॉपिक इज पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। नाउ लेट्स डाइव इन अ टॉपिक। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस इंडिकेट्स दैट द एक्शन डिस्क्राइब इन अ सेंटेंस हैज हैपेंड बिफोर एंड इज नॉट अ करंट हैपनिंग। एग्जाम्पल, शी वॉच्ड टेलीविजन। The example indicates that the action of watching was an event of the past. ये टेंस किसी ऐसे काम के लिए जो ज़माने माजी में वाक़िया हुआ हो, जैसे वो मक्का गया, या ज़माने माजी की किसी आदत या मामूल के बयान के लिए, जैसे हमने इम्तहान से कुछ दिन पहले बहुत मेहनत की। अब इसमें आप देखें कि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि काम जो है वो माजी में यानी पास्ट में हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने कपड़े धोए। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर बहुत इजी होता है, इसमें बस सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है सब्जेक्ट के बाद, यानी ये वो वाहिद टेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है, और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, इसने अपने वालिद को ख़त लिखा। ही रॉट अ लेटर टू हिज फादर। आप इसमें नोटिस करें कि सब्जेक्ट रॉट जो है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, राइट का सेकेंड फॉर्म रॉट होता है। ऑब्जेक्ट, ही रॉट अ लेटर टू हिज फादर। वो मक्का गया, ही वेंट टू मक्का। हमने इम्तहान से कुछ दिन पहले बहुत मेहनत की। वी वर्कड वेरी हार्ड फॉर अ फ्यू डेज बिफोर द एग्जामिनेशन। मैंने अपना बटवा खो दिया। आई लॉस्ट माई पर्स। वो लंदन गया, ही वेंट टू लंदन। वो अपनी बीवी से 2 साल पहले मिला। ही मेट हिज वाइफ 2 years अगो। इसने तुम्हारे लिए केक बनाया। शी मेड अ केक फॉर यू। अब आप इन सारे सेंटेंसेस पे अगर आप गौर करें तो आप देखें कि काम जो है वो ज़माने माजी में हुआ। ठीक है, और हर सेंटेंस में सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसने कपड़े धोए, शी वॉश्ड द क्लोथ्स। वो मैच जीत गए, दे वॉन द मैच। इसने वजीफा हासिल किया, ही गॉट स्कॉलरशिप। बहुत ज़ोर की बारिश हुई, इट रेन्ड हैवीली। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनाइट। सब्जेक्ट, डिड नॉट। इसको कॉन्ट्रैक्ट करके हम डिडेंट भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट, डिड नॉट और डिडेंट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए, आपने एक बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद हम डिड नॉट यूज़ करेंगे या डिडेंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करके कर लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे तो डिडेंट। लेकिन फिर हम वर्ब की फॉर्म को, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी अफर्मेटिव सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंसेस में, उसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट ऐसे ही आ जाएगा हमारा। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो डिडेंट तो यूज़ करते हैं इसके नेगेटिव में, लेकिन वो वर्ब की फॉर्म भी सेकंड कर देते हैं। ठीक है, वर्ब की फॉर्म को चेंज नहीं करते। तो आप इसके सेंटेंसेस की अच्छी तरह से स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ लें कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और डिडेंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपने वालदैन का कहना ना माना। ही डिड नॉट ओबे हिज पेरेंट्स। अब आप देखें, सब्जेक्ट, डिड नॉट, अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। ठीक है, ही डिड नॉट ओबे हिज पेरेंट्स। पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा। पुलिस
did not catch the thief or police didn't catch the thief. अब आप इस सेंटेंस में देखें, इस सेंटेंस में भी देखें कि ये did not use हुआ है तो catch है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो गई है. उन्होंने हमारी मदद नहीं की, they did not help us. तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, you did not fulfill your promise. Now translate into English and give your answer in comment box. तुम मेरे घर नहीं आए, उसने सच नहीं कहा. अब आप इन दोनों सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करें और मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करें ताकि मैं देखूं कि मैंने आप लोगों को जो समझाया है वो आपकी समझ में किस हद तक आया है. स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनाइट. इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट. देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और फिर ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, क्या वो इस गाड़ी में स्कूल गया, डिड ही गो टू स्कूल इन दिस कार. अब अगर आप इसमें नोटिस करें तो डिड, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है, गो यूज़ हुआ है, गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. डिड ही गो टू स्कूल इन दिस कार, क्या वो यहाँ आई, डिड शी कम हेयर, क्या गाय ने दूध दिया, डिड काउ गिव मिल्क. नाउ चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव. अब इसमें देखें अफर्मेटिव सेंटेंसेस, फॉर एग्जांपल, शी टॉट केमिस्ट्री. नेगेटिव, शी डिड नॉट टीच केमिस्ट्री. इंटरोगेटिव, डिड शी टीच केमिस्ट्री. You ate an ice cream. You did not eat an ice cream. Did you eat an ice cream? अब इसमें भी आप notice करें कि affirmative sentences क्या हैं. You ate an ice cream. यानी subject, second form of verb और फिर object. Now its negative is you did not eat an ice cream. अब आप इसमें notice कर लें कि subject, ठीक है, फिर negative में did not आ गया कि तुमने ice cream नहीं खाई. Did not, फिर first form of verb आ गया, ठीक है, second form of verb नहीं आएगा बल्कि first form of verb आएगा. And then object. इसी तरह से interrogative में भी आपने देखा कि did पहले आ गया, फिर subject, फिर first form of verb और फिर object. Did you eat an ice cream? क्या तुमने ice cream खाई? Now change into negative sentences and interrogative sentences. अब देखें यहाँ पर आपने प्रैक्टिस करनी है. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जब तक आपको पास्ट इंडेफिनाइट पे कमांड नहीं होगी, ठीक है. अब आप इसमें मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ. ही न्यू यू वेरी वेल. आई लव्ड माई न्यू पेट्स. इट रेन्ड आउटसाइड. माई मदर लुक्ड आफ्टर मी. दे न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश. वी लिव्ड इन कराची. My father drove his car. Gardener plucked the flower. She liked to eat mangoes. The train stopped near the bridge. Now change into negative sentences and interrogative sentences. और अगर आप चाहें तो मुझे comment box में send भी कर सकते हैं. Jazakallah for watching. If you didn't subscribe my channel, please subscribe it. ये आप लोगों के लिए है. So that क्या आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.